टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। आज टाइम 24 न्यूज में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो कि जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के इस समय काफ़ी हल्ला मच रहा है और लगातार वो रोजगार उपलब्ध कराते हैं, यानी कि बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनका नाम है अंकित भाटी, लेकिन प्यार से उनको अंकित गुरुजी कहते हैं सभी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है टाइम 24 न्यूज में। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। गुरुजी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कब ये क्लासेस शुरू की थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो अब कोरोना काल चला है तब शुरू हुई हैं। उससे पहले किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते थे और कहाँ से आपने सीखा कि हमें इन बच्चों को पढ़ाना है और रोज़गार के लिए तैयार करना है? दरअसल मैं सर जो ऑफलाइन इससे पहले तो पढ़ाते थे, ऑनलाइन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था कि ऑनलाइन ही पढ़ाना है या ऑनलाइन ही बच्चे कोई इच्छुक भी थे या नहीं थे इस बात को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब कोरोना की वजह से बच्चों को लोगों को लगा है कि यार ऑफलाइन पढ़ाई नहीं जा सकता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चा ऑनलाइन की तरफ तब मुड़ा है। नहीं तो बच्चा संतुष्ट था, और आज भी हम ऑनलाइन इतने ज़बरदस्त तरीके से हमने शुरू कर रखा है, फिर भी बच्चा हमें ऑफलाइन के लिए ढूंढता है कि सर ऑफलाइन शुरू कीजिएगा। क्योंकि जो घर वालों का मन में एक बात होती है कि टीचर से सामने जा कर के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे डाउट अपने क्लियर कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऑफलाइन में एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक बैच को 2 घंटे पढ़ाता होगा, 2 घंटे की क्लास, इससे ज़्यादा बच्चा ले भी नहीं पाएगा। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो बच्चे को एक तो घर में पढ़ना है, पहला फ़ायदा। ऑफलाइन के लिए बच्चे को दूर जाना पड़ेगा, मान लीजिए बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, वहाँ उनका खर्चा देना होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी बाहर रहने में, तो पढ़ाई से तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं किसी का मन नहीं लग रहा है कि गांव का माहौल नहीं मिलता, घर की रोटी नहीं मिलती, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है कि एक तो पैसे की बचत आपकी, ना कहीं आना ना कहीं जाना, सिर्फ घर में रह के पढ़ना है। बाहर आपको जाना ही नहीं है किसी भी सूरत में। कोरोना टाइम में अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो आप सबसे बड़ी जीत आपकी वैसे ही हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर बाहर नहीं जा रहे हो तो आपका कन्वेंस का सारा खर्चा, और आप जो वहाँ पर रहकर पढ़ते थे, वहाँ रेंट देते थे, रूम रेंट, वो सारा खर्चा बच गया। और अगर बात बताऊं कि भाई ऑफलाइन की कोचिंग की फ़ीस ऑनलाइन से तुलना की जाए तो वो कुछ फ़ीस है ही नहीं उसके मुकाबले। मान के चलो कि ऑफलाइन में बड़े बड़े शहरों में मुखर्जी नगर कोचिंग का हब माना जाता है, अगर देखेंगे तो वहाँ पर करीब मतलब एक अच्छे बैच को लेने के लिए करीब बच्चे को 8-10 हज़ार रुपये इसी दिल्ली पुलिस के बैच को चाहिए खर्च करता है, प्लस वहाँ रहने खाने का 10-12-15-20 हज़ार आराम से 3 महीने में निपटा के आएगा, क्योंकि इतना महंगा रेंट होता है, खाना पीना सब कुछ, तो कुल मिला के 25-30 हज़ार रुपये वो अपने ठंडे करके आएगा। यहाँ पे क्या है कि 500-1000 से ऊपर कोई कोर्स होता नहीं है, होता है तो वो बिकता नहीं है किसी का, तो इसलिए सबको एक लिमिटेड पैसे में ही सबको कोर्स लेके आने होते हैं। ऑफलाइन में बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, यहाँ 6 घंटे की क्लास लेता है, तो कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल मिलता है, सारी PDF वगैरह मिलेंगी, वहाँ उसको खुद बनानी पड़ेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे ऐसे हैं कि जो बच्चे को, जो माँ बाप को मैं इस बात से समझाना चाह रहा हूँ कि वो अगर ये सोचते हैं कि बच्चे हमारा ऑफलाइन ही पढ़ेगा, टीचर के सामने ही रहेगा तो ही ज़्यादा सीखेगा, जबकि आजकल जो होशियार बच्चा है, स्पेशली अगर कहूँ तो वैकेंसीज जितनी होती हैं, मान लीजिए 6000 दिल्ली पुलिस में वैकेंसी लगभग, और 29 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो जो 6000 बच्चा है, जो सीरियस 6000 बच्चा है, मैं तो कह रहा हूँ वो ऑफलाइन कभी ढूंढेगा ही नहीं जिसका नंबर आना है, क्योंकि उसको दिख गया, उसको फ़ायदा दिख गया यार मेरा फ़ायदा सीधा ऑनलाइन में ही होना है, ऑफलाइन में तो मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ आने जाने का, जहाँ रहूँगा, बजाय वो बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहा है नो डाउट, पर वो टीचर उसको 2 घंटे पढ़ा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में 6 घंटे बेहतरीन टीचर्स के साथ पढ़ रहा है। ऑनलाइन सस्ता क्यों है? इसका कारण है क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन एक लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड लोग जुड़ते हैं, ठीक है, इसलिए टीचर्स ऑनलाइन सस्ता रख सकते हैं।
उनको वहाँ भी अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है, नो डाउट। ठीक है, तो फ़ायदे और उसकी बातें गिनवाएंगे तो ऑनलाइन के कहीं ज़्यादा फ़ायदे हैं ऑफलाइन के मुकाबले। ये हमने दोनों में क्योंकि हम उतर रहे हैं, तो 2009 से मैंने ऑफलाइन चलाया और करीब 2020 तक ही ऑनलाइन चलाया है, आप शुरुआत से कोरोना से पहले तक। तो 11 साल ऑफलाइन मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन, और ऑनलाइन तो जस्ट अभी हम मार्च अप्रैल में शुरू करने लगे हैं कोरोना की वजह से पूरी तरह से। अब आप देख रहे हैं इस तरह के बोर्ड वगैरह इस तरह से यूज़ होता है, तो बच्चे को इतना अच्छा इंटरफेस आता है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसको लगता है यार टीचर मुझे अकेले को पढ़ा रहा है, कितना बढ़िया है माहौल। ऑफलाइन लगता है भीड़ को पढ़ा रहा है, बिल्कुल उसको घर में लगेगा यार मुझे अकेले को पढ़ने को मिल रहा है इस टीचर, यानी ये टीचर देखो पॉजिटिव लेने को तो कुछ भी ले लो और नेगेटिव को तो भाई आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचेगा तो उसको लगेगा टीचर सिर्फ मेरा पे ध्यान देता है और किसी को देखता ही नहीं। नेगेटिव सोचोगे यार टीचर का जब तक दर्शन नहीं होंगे, जैसे पुराने टाइम में ऋषि मुनियों के सामने गुरु बना के उनको पढ़ते थे, चार छात्र सामने बैठ जाते थे, वही अब चलता रहेगा, वो तो अब चलना है नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर आपको करना है तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव लो, और ऑनलाइन का फ़ायदा कहीं ज़्यादा होगा ऑफलाइन के मुकाबले। गुरुजी, इस समय बहुत हो हल्ला मच रहा है बेरोज़गारी को लेकर के, और लगातार अभी ऑनलाइन जितनी क्लासेस चलती हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया गया था और उसके बाद उसका असर भी दिखा, क्योंकि अब रेलवे के जो एग्ज़ाम उनकी घोषणा हो गई है जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं बेरोज़गारी पर? देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई ये जो हाव हल्ला मचा या ये जो ये बात सही थी, बच्चों का गुस्सा था जो बहुत दिनों तक शांत रखा था, इसमें बच्चे की इतनी सी भी गलती नहीं थी। इसमें बेरोज़गारी के मुद्दे पे बच्चा सरकार से बहुत परेशान था, क्योंकि देखो कोरोना तो क्योंकि सरकार ने बहाना लिया अब कोरोना का, लेकिन कोरोना है पिछले 2-3-4-5 महीने से, इससे ज़्यादा से टाइम नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे 22 मार्च से पहले जब तक भारत में घोषित हुआ, 25 मार्च को हुआ ऑफिशियली, तो उससे पहले तक एग्ज़ाम क्यों नहीं हुए, जबकि फॉर्म भरे हुए तो उससे पहले भी एक साल हो चुका था, इतना सा भी स्टेप रेलवे ने नहीं लिया था। तो बच्चे इसी बात पे गुस्सा थे कि उन्होंने 500-500 रुपये फीस दी, 500-500, और रेलवे ने कहा गया 400 हम आपके लौटाएंगे तब जब आप एग्ज़ाम दोगे, उस टाइम 400 वापस करेंगे। तो 500 रुपये का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने उनसे कमाया और वो अपनी जेब में लगा लिया। अब उसको जितने टाइम तक खींचेंगे, जितने टाइम तक खींचेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, और वो करोड़ों में फॉर्म है। तो अब सोचिए 2.5 करोड़ फॉर्म 500-500 रुपये से भी अगर लगाओगे तो कितने करोड़ का गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा था, वो जितना लंबा खींच सकते थे खींचेंगे। और हो सकता है, देखिए 2019 का इलेक्शन में ये लॉलीपॉप दिखाया गया था कि देखो रेलवे में इतनी ढेर वैकेंसी, 1,40,000 वैकेंसी, और थी भी इतनी। अब सबको यही डर था कि यार 2019 का इलेक्शन इस बात पे जीत गए, बेरोजगारों की वोट ले गए, युवाओं की वोट ले गए, 2024 के इलेक्शन तक तो नहीं खींच देंगे इस मुद्दे को। तो अब कहीं ना कहीं तो भड़क निकलती। अब कोरोना टाइम में बच्चे ने वैसे तो इकट्ठा होने नहीं देगी गवर्नमेंट, अब उन्होंने सोचा है डिजिटल ही अभियान चलाया जाए, और डिजिटल अभियान का ये असर हुआ कि गवर्नमेंट को 2 दिन के अंदर जवाब देना पड़ गया था। ट्विटर के माध्यम से अभियान चला और विश्व में नंबर 1 पर ट्वीट मतलब ट्रेंड किया ये बच्चों का। इंडिया में ट्रेंड करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वर्ल्ड में 1 ट्वीट कराना, जिस पे करीब 50,00,000 करोड़ों ट्वीट उस पे हुए उस मुद्दे पर, तो इसका मतलब सारा बेरोजगार एक साथ इकट्ठा हो गया। वो गुस्सा थोड़ा बड़ा नहीं था, वो बहुत बड़ा गुस्सा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट को सचेत आगे भी मैं कहूँगा कि भाई रहना चाहिए और बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो इस गवर्नमेंट का अभी तक तो नहीं है। गुरुजी, इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आखिर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपके यहाँ पे कोचिंग करने भी आते हैं और लगातार तैयारी करते हैं और सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, आखिर कहाँ कमी रह रही है जो सरकारी नौकरी निकल नहीं रही है, निकलती भी हैं फॉर्म भरे जाते हैं उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, अगर रिस्पॉन्स भी आ जाता फिर रिजल्ट नहीं, मतलब फिर उनका जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इस पर क्या करना चाहिए कि सरकार को? देखिए, सरकार को इस पर बस एक ही कदम उठा देना चाहिए कि हर साल के शुरुआत में एक मतलब एक इस तरह से एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, जैसे कुछ नौकरीज़ में होता भी है कि पूरे रेलवे को या कोई भी डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्ती निकलने वाली है
तो उसका एक कैलेंडर जारी करके ये कह देना चाहिए कि भैया इस तारीख को ये भर्ती आएगी, इसका ये रिटर्न है, इसकी इतनी वैकेंसी है। तो हर सरकार को साल के शुरू में एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, उसी जो तय डेट करे उसी पर वैकेंसी हो, उसी पर रिजल्ट आए और उसी पर बच्चों को ज्वाइनिंग मिले। वो सारी डेट सरकार को तय कर लेगी तो फिर बच्चों का ये सारा गुस्सा एकदम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी पाक साफ सिर्फ ऐसे ही हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ, निजीकरण को लेकर के भी काफ़ी शोर मच रहा है, क्योंकि सरकारी संस्थानों में लगातार निजीकरण जो है वो बढ़ रहा है, तो ये सही है क्या गलत है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं, तो एक टीचर तो यही बोलेगा कि गलत है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है। और गलत इसलिए भी है क्योंकि युवा आज के टाइम में, जैसे कोरोना के टाइम में, उसने देख लिया है प्राइवेट सेक्टर का कितना बुरा हाल हुआ है। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी छिन गई, और जो कर भी रहे हैं मान लीजिए अब भी, तो वो सैलरी कट के बेस पे कर रहे हैं। अब क्या करेगा युवा, ये सोचेगा यार प्राइवेट में भविष्य हमारा है ही नहीं, तो क्यों ना हम सरकारी की तरफ मुड़ें। और सरकार ने ऐसा कर दिया कि सरकारी वैकेंसीज़ को, जो आपका प्राइवेटाइजेशन का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है, सरकार निजीकरण बहुत तेज़ी से कर रही है चीज़ों को, पूरा रेलवे भी निजीकरण की चपेट में आने वाला है जैसा सुनने में आ रहा है। और अभी यूपी में आप देख रहे हैं तो संविदा की एक प्रक्रिया लागू कर दी है कि भाई अगर सरकारी नौकर है तो 5 साल वो भी प्राइवेट बन के ही रहे, और उस 5 साल में उसे हर बार ये डर दिखाया जाएगा कि भाई तू कभी भी निकाला जा सकता है। अब उसमें बहुत सारे नुकसान उसमें भी होंगे, उसमें हो सकता है सरकार ने एक अच्छी सोच के साथ किया हो, वो तो हम नहीं कह सकते कि भाई इससे सरकारी नौकर डरेगा, उसमें काम का सरकार जो दे रही है अपने तथ्य कि डरेगा, जो सरकारी आदमी काम नहीं करता, निकम्मा होता जा रहा है, तो उसको ये डर दिखाने के लिए कि भाई आप नौकरी से निकाले भी जा सकते हो, तो उसको 5 साल में हम काम की आदत डाल देंगे, ऐसा सरकार की तरफ से तथ्य है। अब आप सोचो कि चलो आप काम की, लेकिन 5 साल में आप खुद सोचिए कि उस लड़के का, या अगर स्पेशली बोले तो लड़की का बहुत ज़्यादा शोषण होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसको हर 6 महीने में एक रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी उसके सीनियर अफसर को कि भाई इसके इतने मार्क्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसमें सरकार ने कंडीशन लगा दी कि भैया 10 नंबर का इसका टेस्ट है, ये 10 में से अगर इसके 6 नंबर या 7 नंबर या 8 या 9 या 10 आएंगे तो इसे नौकरी पर रखेंगे, अगर इसके 5.5 आ गए तो ये घर को जाएगा। तो अब सोचिए, अगर चलो लड़का है तो ठीक है, क्या लड़की को उस अफसर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, क्या उसका शोषण नहीं होगा? तो लड़की को अपने अफसर की गुलामी, लड़की का ज़्यादा डर है, शोषण बहुत तरह के हो सकते हैं लड़की के, ठीक है, लेकिन लड़कों के भी या किसी के भी, मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूर अपने अफसर का रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई स्थिति साफ की नहीं है। हालांकि संविदा अभी प्रपोजल है सरकार का, अभी कोई ये नहीं है कि संविदा लागू हो गई है, पर जब प्रपोजल आया है तो कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार क्योंकि बहुमत में है तो इसको लागू करवा भी सकती है, और इससे बेरोजगार युवा जो पहले सिर्फ इसलिए त्रस्त था कि नौकरी नहीं निकल रही है, अब इसलिए भी त्रस्त है कि नौकरी निकलेगी भी तो भी प्राइवेट हो जाएगा, तो भाई फिर मैं प्राइवेट की तरफ ही क्यों ना ध्यान दूँ, क्योंकि सरकार तो एक निश्चित तरीके से, और उसको 5 साल सैलरी भी ऐसी देगी जो सरकार का मन करेगा। अब तक सबकी फिक्स होती थी समान, जो मानदेय है समान, सबको सब कुछ मिलेगा, अब कुछ समान नहीं रहेगा। तो मतलब बहुत सारे नुकसान एक सरकारी कर्मचारी को, जो सरकारी तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, तो उनको बहुत सारे नुकसान नज़र आ रहे हैं, और वो सच हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। यहाँ आपने अभी बात करी थी इसी संविदा वाली पे हम बात करेंगे, क्योंकि दक्षता की बात करी थी कि जो 5 साल अगर व्यक्ति रहेगा तो उसे पता लग जाए किस तरह से नौकरी करनी है। हालांकि हो सकता है कि उत्पीड़न की भी आपने बात की, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें क्या संशोधन हो सकता है? क्योंकि मूल्यांकन की बात हुई है कि उच्च अधिकारी करेगा, तो अगर इसमें ऐसा निर्धारित हो कि उसका मूल्यांकन फील्ड में होगा, यानी कि अगर किसी कोई पटवारी है उसकी नौकरी लगती है और मूल्यांकन उसका गाँव वाले करते हैं, वो जहाँ पर जॉब करता है वो करते हैं, तो फिर तो ऐसा विचार जो सरकार ला रही है वो ठीक होगा, अगर उच्च अधिकारी उसका मूल्यांकन ना करके आम लोग उसका मूल्यांकन करें। देखिए, ये अगर किसी के हाथ में मूल्यांकन दे दिया जाए तो मूल्यांकन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, और मूल्यांकन अगर ये गांव वालों को या कोई, मतलब इस तरह से एक समूह को भी दे दिया जाएगा
तो समूह भी भ्रष्टाचारी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि मूल्यांकन का कोई रोल होना ही गलत है किसी भी चीज़ में। अगर मूल्यांकन करना है तो इसके लिए एक स्पष्ट तरीका बनाया जाए, वो लोगों को समझाया जाए कि भाई ऐसे होगा, क्योंकि वो समझ में किसी को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से उसको स्पष्ट किया ही नहीं है अब तक। जो है कि भाई गांव वाले मूल्यांकन करेंगे किसी पटवारी का, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि गाँव वाले सारे लोग गलत नहीं हो सकते, कुछ लोगों का समूह गलत हो सकता है, लेकिन क्या उसको ज़मीन पर उतार पाना संभव है कि इतने लोगों का एक प्रकार से वो तो एक वोटिंग ही हो गई उस टाइप की। अब वो वोटिंग संभव ग्राउंड पे करानी वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि वो सीनियर के हाथ में ही दिया जाएगा, और सीनियर के हाथ में गया तो सारी चाबी उसको, चाहे वो अपने घर का बंधुआ मजदूर बना के रखे तो उसे रहना पड़ेगा 5 साल तक। तो मतलब वो इतने तरह के शोषण हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि ये मूल्यांकन का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, जिस तरह से अभी ब्रीफ में पता चला है। ठीक है, अभी अगर इसको और स्पष्ट तरीके से बताया जाए तो शायद चीज़ें स्पष्ट हों और हमारी नाराज़गी या किसी भी युवा की नाराज़गी, बेरोजगार युवा की नाराज़गी थोड़ी शांत हो सके। बस इतना ही। अब गुरु जी, रेलवे के एग्ज़ाम की भी घोषणा हो गई और बाकी कुछ और भी भर्तियाँ हैं जो आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें, क्या उनका रूटीन होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भाई अगर आज के टाइम में नौकरी लेनी है किसी भी युवा को, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि भाई उसको एक तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है। अगर मैं मानूं कि रेलवे की ही बात करूं तो 1,40,00,000 वैकेंसी है, नो डाउट, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है किसी भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में। अब आप देखिए तो इसमें 2,42,00,000 फार्म हैं। अब इतने फार्म हैं, 2,42,00,000, 1,40,000 वैकेंसी हैं, तो आप समझ के चलिए 2 करोड़ करीब 40,60,000 बच्चे तो फिर भी बेरोजगार ही रहने हैं, क्योंकि वैकेंसी तो उतनी है। तो अब उन 2 करोड़ बच्चों में से या 2.5 करोड़ बच्चों में से वो 1,00,000 कैसे छटें, उसके लिए ज़रूरी होगा कि एक बहुत सही तरीके से, एक बहुत सटीक तरीके से तैयारी करनी होगी। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पढ़ते सब हैं, लेकिन कौन कितना सही दिशा में पढ़ता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस आदमी को फॉलो कर रहा हो वो सही हो, जिस टीचर को उसने चयनित किया हो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हमने देखा है कि ऑफलाइन में इस तरह के भी बच्चे होते हैं कि भाई उसको पता ही नहीं होता कि मुझे समझ में भी आ रही हैं चीज़ें या नहीं। अब वो जब ये ही नहीं समझ पाता कोई बच्चा कि मुझे चीज़ें समझ आ रही है नहीं, तो वो एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेगा। ठीक है, तो उसे अपना लेवल का ही नहीं पता, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, मतलब ऑनलाइन आना उस टाइप के बच्चों के लिए तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने एक सुटेबल अपना टाइम टेबल बनाया है कि मुझे सुबह इतने टाइम से इतने टाइम तक ये चीज़ पढ़नी है, इतने टाइम से इतने टाइम ये पढ़ना है, तो मैं तो समझता हूँ कि भाई रेलवे का एग्ज़ाम अगर 7 से 8 घंटे किसी ने सीरियस स्टडी और क्वालिटिव स्टडी अगर करी है तो फिर वो निकाल देगा, आराम से निकाल देगा। लेकिन बशर्ते कि सारी सब्जेक्ट्स उसने कवर कर रहा हो रोज, और नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी भी कंपटीशन में कि पुराने का रिवीजन अच्छे से करें। वो नहीं किया, नया पढ़ता जा रहा है, तो फिर एग्ज़ाम में वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तय है। गुरुजी, आप लगातार जो है एक छोटे से गांव से आते हैं, रोजगार विद अंकित आपने शुरू किया, क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी थी, और आप ऐसे छोटे से गाँव से हैं, आपकी सिस्टर ने भी आपके साथ बच्चों को पढ़ाया और प्रैक्टिस भी वहाँ पर आप कराते हैं, तो किस तरह से तैयारियाँ शुरू से कराते हैं, और आपने क्या सोचा था कि आप रोजगार विद अंकित ये शुरुआत करेंगे? देखिए सर, दरअसल में मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था, और मैंने शुरू से ही बस एक ही बात पे जोर दिया है कि बच्चों को रिजल्ट मिले, हमारे पढ़ाने से बच्चों को रिजल्ट मिले। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई अपना रोजी रोटी के लिए भी हो सकता है शुरू करते हैं, वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ी कोई फाइनेंशियली ऐसी दिक्कत नहीं थी कि मैं कोचिंग सेंटर चलाऊं, ये हकीकत है। तो फिर भी मैंने शुरू किया, फिर इतना इंटरेस्ट आता रहा टीचिंग में, मैं लगातार उससे जुड़ा रहा, फिर देखा मैंने कि ऑनलाइन की तरफ मतलब रुझान लोगों का बढ़ रहा है,
ऑनलाइन चीज़ें जब 2018 में मेरे दिमाग में आई कि भाई बच्चा क्या होता है कि जब भी कंपटीशन की तैयारी करने आता है ना, तो मान लीजिए 4 महीने तैयारी करनी है उसको, तो कोई बच्चा तो आज आ जाएगा। मान लीजिए 27 नवंबर का अब दिल्ली पुलिस का रिटर्न है। अब ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, बच्चा कोई तो आ जाएगा, कोई 10 दिन बाद आएगा, कोई 20 दिन बाद आएगा, कोई एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आएगा। अब उन सबका सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं स्कूल वाले कि सबका एडमिशन एक ही दिन होगा, यहाँ तो बच्चा आता जा रहा है पढ़ता जा रहा है, उसी क्लास में उसको भी बैठना है। तो अब ये दिमाग में आई कि भाई इन बच्चों का रिजल्ट कैसे दिया जाए। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो बच्चे को ऐसा मटेरियल बच्चा खुद पढ़ सके ऐसी जगह से मिल जाए। तो फिर दिमाग में आया कि इस चीज़ को ऑनलाइन बनाया जाए, ऑनलाइन बनाया जाए। कोई बच्चा आज क्लास की छुट्टी कर ली तो आज का छुट्टा हुआ उसको कैसे मिल सकता है, तो वो बच्चा उस चीज़ को ऑनलाइन देख ले। तो ये ऑफलाइन वाले बच्चे को ही ध्यान में रख के शुरुआत की थी कि भाई जिस बच्चे का कोई लेट ज्वाइन किया है तो पिछला कोर्स यहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ से चेक कर ले। किसी बच्चे का कोई 2 दिन नहीं आया तो 2 दिन का काम कहाँ से करे, तो यहाँ से कर लेगा, क्योंकि टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 2 दिन के लिए एक बच्चे को छुटा हुआ पढ़ाए, क्योंकि उसे तो पूरी क्लास फिर से लेनी पड़ेगी और ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको बताई गई, चीज़ें शुरू की गई, तो फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन बच्चों के लिए शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे अब 1.5-2 साल बीते तो अब आज की डेट में 7 लाख बच्चा जुड़ चुका है, और ये सिर्फ ऑफलाइन तक सीमित नहीं रहा। हम तो सोच रहे थे कि आसपास के लोग जुड़ेंगे, अब इस चैनल से इंडिया के हर कोने से बच्चा जुड़ चुका है, चाहे कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट का बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है। चलिए, हाँ गुरु जी, टाइम 24 न्यूज़ की तरफ से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि अब जैसे कोरोना का टाइम है और आने वाले टाइम में जो सरकार ने खुद राज्यसभा में आंकड़े पेश किए थे कि 10 करोड़ नए बेरोज़गार बढ़ने वाले हैं, जो बहुत भयावह आंकड़ा है। इसका मतलब नौकरियां प्राइवेट वाली तो जाने वाली हैं, सरकारी तो किसी की जाती नहीं। अब बच्चों, सरकारी वैकेंसी इस टाइम पे बहुत सारी निकली हुई हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है, सबका कहीं ना कहीं फॉर्म होगा। अगर आपका कहीं भी फॉर्म है तो फिर आप इतने मन से तैयारी इस टाइम कर दीजिए, इतने मन से मतलब इस तरीके से कर दीजिए कि भाई ये चांस मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर ये चांस गया तो आगे आपको ना तो कहीं प्राइवेट में जगह मिलेगी और सरकारी का चांस आप जानबूझकर खो रहे होंगे। तो फिर आप करोगे क्या, तो मतलब वो एक स्थिति आ जाएगी कि भाई अब मैं क्या करूं। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं मन में तनाव, बहुत सारी चीज़ें, घर में सब परेशान। तो मैं सबसे कहूंगा कि अगर आप गरीब हैं तो गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है? तो क्योंकि गरीब मर जाना उसके जिम्मेदार हो आप, गरीब पैदा हुए हो वो कोई पाप नहीं है, ठीक है? लेकिन उस गरीबी को, उस माता पिता की गरीबी को जिसने आपको दिन रात मेहनत करके पढ़ाया है, तो फिर उनके लिए इतना तो बनता है कि आप उनको एक सुखमय जीवन दे सको। और सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी माँ बाप के लिए कि अपना बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाए और उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए, तो उनकी जो ज़िंदगी है उन माँ बाप की, वो वैसे ही 4-5 साल जितना जी रहे थे उससे 4-5 साल ज़्यादा जी जाएंगे। तो आप लोग अपने मम्मी पापा की उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी एक बात है कि आप इस तरह से उनको उत्थान उनका कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर आपका उत्थान किया है। चलिए दोस्तों, यही बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। टाइम 24 न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद गुरु जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंटरव्यू के लिए। चलिए, तो ये थे अंकित गुरु जी, अंकित भाटी जी इनका नाम है, और साफ तौर पर इन्होंने संदेश दिया है कि आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो अलग तरीके की मेहनत करनी होगी और एक रूटीन बनाना होगा। भूपेश प्रताप सिंह, टाइम 24 न्यूज, ग्रेटर नोएडा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।